बाप ने भी कभी 100 रुपए देखे हैं? सुनाई नहीं दिए क्या? जूते साफ कर। अच्छा तू तो गरीब भिखारी फैमिली से है। ये जैकेट मैंने गिफ्ट की है तुझे, उतारिए चल। कुत्ता है तो कुत्ता। अरे नमिका वो देख, मेरा दोस्त ही है, बेचारा बड़ा ही गरीब है पर हमेशा हमारे पैसों पर ही पलता है साला। जी काम करना, इसको बुलाना, थोड़ा मजाक उड़ाया जाए। अरे अंकित कहाँ जा रहा है, इधर आ यार। अरे अंकित तेरे पास 100 रुपए हैं क्या? यार मेरे पास 100 रुपए कहाँ से आएंगे, तुम्हें तो पता ही है ना मेरे पास पैसे नहीं रहते। अच्छा तू तो गरीब भिखारी फैमिली से है। हाँ मुझे याद आया, तेरे पास पैसे तो होते ही नहीं है। अच्छा एक बात बता, तेरे बाप ने भी कभी 100 रुपए देखे हैं? यार तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? बिल्कुल सही बोल रहे हैं हम। जब देखो हम अमीरों के कंधे पर बेताल बनकर बैठा रहता है तो कभी एक पैसा भी लेकर आता है? हर चीज, हर खाने की चीज, हर चीज के लिए हमें इसे पैसे देने पड़ते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है हम ही इसे पाल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अंकित तू एक काम कर, तू मेरे घर आ जा, मैं तुझे अपने कुत्ते के साथ बिठा के रखूंगा और 3 वक्त की रोटी तुझे खिला ही दूंगा और पाल ही लूंगा तेरे को। कुत्ता है तो कुत्ता। यार मैं तुम्हारे ना सारे पैसे दे दूंगा। कहाँ से चुकाएगा पैसे? तू अपना एक एक बाल भी बेच देगा ना तो भी हमारे पैसे नहीं चुका पाएगा जितने हम तेरे पे उड़ा चुके हैं। तू एक काम कर, नीचे बैठ और मेरे जूते साफ कर। अबे देख क्या रहा है, सुनाई नहीं दिए क्या? जूते साफ कर। भिखारी तेरी औकात भी नहीं है मेरे जूते छूने की, समझा? आगे से ना अपनी शक्ल मत दिखा दियो वरना तेरा वो हाल करूंगी ना तेरे माँ बाप भी नहीं पहचान पाएंगे। चल सूरज आज के लिए इतना बहुत है। कहाँ रह गया यार ये राजू? अबे राजू कहाँ रह गया था तू, इतनी देर लगा दी आने में? अरे यार मैं आ ही रहा था तो रास्ते में अंकित मिल गया तो मैंने सोचा यार इसे भी ले चलते साथ पे। अच्छा तू इसे भी साथ ले आया, इसके पास फिल्म देखने के लिए पैसे भी हैं? पैसे तो इसके पास रहते नहीं है। आ गया ये उठ के। अबे यार तू ऐसा क्यों कह रहा है? अबे सही तो कह रहा हूँ, हमारे पैसों पे तो ये पल रहा है, इसके पास पैसे तो रहते नहीं है और वैसे भी ये हमें लूट रहा है, लूट। यार सुनो मुझे ना कुछ काम याद आ गया तो मैं चलता हूँ। अबे राजू ये तो अंकित है ना? अरे हाँ यार चला मिलकर आते हैं। हाँ चल। अंकित तू यार तू तो बिल्कुल बदल गया, चश्मा फोन जैकेट स्मार्ट लग रहा है यार तू। अच्छा ये तो बता मेरे भाई ये सब लाया कहाँ से? याद है तुझे वो दिन जब तूने मेरी जैकेट उतरवाई थी? राजू तू दे दे बिल। चल ठीक है मैं दे देता हूँ। अबे यार भाई मैं वॉलेट घर पे भूल आया यार। अरे यार चल कुछ नहीं होता, अंकित ऐसा कर तू दे दे पैसे। यार तुम्हें तो पता ही है ना मेरे पास पैसे नहीं है और घर की हालत भी खराब है। तेरे पास पैसे होते नहीं है तू आता ही क्यों हमारे साथ खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में? अबे एक बात बता तेरे पास पैसे होते ही कब है? जेब में पैसे होते नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है, अयाशा करनी है, अच्छे अच्छे क्लबों में जाना है, सारी मस्ती करनी है तुझे लेकिन जेब में पैसे होते नहीं है। सॉरी यार मैं चलता हूँ। रुक 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 कहाँ जा रहा है? ये जैकेट मैंने गिफ्ट की है तुझे, उतार ले चल।
ये साला गरीब हमारी बराबरी करने के लिए दुकान पे काम कर रहा है, इसे तो अभी बताता हूँ। अच्छा तो तू यहाँ काम कर रहा है, रुक तुझे तो अभी बताता हूँ कहाँ है का मालिक। हाँ भाई मैं मालिक है। देखो मैं तुम्हारा पुराना कस्टमर हूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं आगे भी आपसे सामान लेता रहूँ तो इसको काम से निकाल दो अभी के अभी। ठीक है अभी निकालता हूँ, चल निकल भाई। बड़ा आया नौकरी करने वाला, हमारी बराबरी करेगा। भाई साहब आप ठीक हो ना? जी भाई साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद करी। मुझे एक बीमारी है जिससे मुझे बार बार चक्कर आते रहते हैं। ठीक है भाई साहब अब मैं चलता हूँ। सुनो वैसे आप काम क्या करते हो? फिलहाल तो मैं कोई काम नहीं करता, नौकरी की तलाश में हूँ। वैसे आप पढ़े लिखे कितना हो? मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी हुई है, उसके बावजूद भी मुझे कोई नौकरी नहीं मिलती। मेरी कंपनी में सिविल इंजीनियर की वैकेंसी है, क्या आप काम करना चाहोगे? बिल्कुल सर मैं आपकी कंपनी में जरूर काम करूंगा। चलो मेरे साथ। अरे अंकित कहाँ तुमने इस बिहार में अपना नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मारता। तुम चिंता मत करो, आने वाले समय में ये जमीन सोना उगलेगी और हमारे फ्लैट यहीं बनेंगे। मुझे तुम्हारे पर पूरा विश्वास है। देख आज मैं कितना बड़ा आदमी बन गया हूँ। वो बिल्डिंग दिख रही है तुम्हें? वो मेरा ही प्रोजेक्ट है, और तो और इस शहर में जितने भी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना वो सारे मेरे अंडर हैं। तुम तो पहले मुझे भगा देते थे, बोलते थे तू तो कुत्ता है और हमारे टुकड़ों पे पलता है, लेकिन फिर मैंने मेहनत करी और देख आज मेरे पास सब कुछ है। इस दुनिया में जितने भी ऐशो आराम होते हैं ना वो सारा मैंने हासिल कर लिया है। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहा है, दूर हो जा मेरी नजरों से। यार अंकित तुझे प्रिंस को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आज तू जो कुछ भी है ना सब प्रिंस के वजह से ही है। क्या मतलब? वो तुझे इसलिए डांटता था ताकि तेरा जमीर जागे और तू कुछ काम करके बड़ा आदमी बन पाए। यार प्रिंस तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था यार, अंकित के साथ तुझे क्या प्रॉब्लम है यार? यार देख राजू मुझे ना अंकित से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसलिए ऐसा करता हूँ ताकि ना उसका जमीर जाग जाए। तू भूल गया वाला दिन जब अनामिका ने उसका इतना मजाक बनाया था? उस दिन ना मुझे बहुत बुरा लगा था और मैं नहीं चाहता आगे उसका कोई और भी मजाक बनाए, इसीलिए मैं उसके साथ ये हरकत करता हूँ ताकि उसका जमीर जागे और कुछ अच्छा काम करके ना अपने पैरों पर खड़ा हो और बड़ा आदमी बने। और तू आज जब बड़ा आदमी बन गया तो तू प्रिंस को ही नीचा दिखाने चला? उस दिन जब तुझे जॉब मिली थी ना वो भी प्रिंस की वजह से मिली थी तुझे। हाँ प्रिंस क्यों बुलाया मेरे को? अरे यार मेरा दोस्त है ना वो अंकित, यार तू ना एक हेल्प कर दे। हाँ भाई बता। यार उसको ना कहीं काम दिलवा दे। बस इतनी सी बात? मैं उसे अपनी ही कंपनी में काम दिलवा दूंगा। और हाँ उसको ना पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुझे बोला उसको काम दिलवाने के लिए। अरे तो उसकी चिंता मत कर, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि उसको जरा सी भनक भी नहीं लगेगी। यार मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं भी प्रिंस से सॉरी बोल के आता हूँ।
यार अंकित मुझे ना माफ कर दे, शायद मैंने ना तुझे कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। यार माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, राजू ने मुझे सब कुछ बता दिया। तूने मुझे जो भला बुरा बोला था वो मेरे फायदे के लिए बोला था, और तो और मेरी जॉब भी तूने ही लगवाई। यार मुझे माफ कर दे। तू पागल है क्या? तू तो मेरा दोस्त है, आ गले ले। अबे मुझे भूल गए क्या? मेरे बाद किसको सताओगे, उसे किस तरह से मिटाओगे? मेरे बाद किसको सताओगे, उसे किस तरह